हेलो एंड वेलकम बैक। अब इंडेक्स नंबर्स का क्वेश्चन 5 हम डिस्कस करेंगे। ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें काफी सारी एंट्रीज मिसिंग है, वो हमें कंप्लीट करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है वॉल्स प्राइस इंडेक्स पर। तो टेबल दिया है उसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए तो रूट ऑफ क्यू जीरो क्यू वन ये कॉलम एंड यहाँ क्यू जीरो क्यू वन ये कॉलम भी मिसिंग है। सो लेट अस फिनिश क्यू जीरो क्यू वन फर्स्ट। तो क्यू जीरो ये क्यू जीरो है ये क्यू वन। नाइन फोर जा 36 फिर 5 5 जा यहाँ पे आएगा 25। देन वी हैव 8 टू जा दैट इज 16। 4 वन जा यहाँ पर आएगा 4। फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, 25 का 5, 16 का 4 एंड 4 का 2। वी स्क्वायर रूट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है P0 के साथ एंड स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करना है P1 के साथ। ओके सो लेट अस मल्टीप्लाई विद P0। तो 2 इंटू 6 राइट। तो यहाँ पर नहीं ये 2 नहीं है ये 20 है, ये ध्यान दीजिए ऊपर नीचे है वैल्यू। तो 20 इंटू 6 दिस वुड बी 120। 10 into 5 that is 50, 40 into 4 ये है 160, this is 30, 30 into 2 ये आ जाता है 60। एक बार टोटल हम चेक कर लेते हैं 120 plus 50 plus 160 plus 60 ये टोटल आता है 390। तो यार दिस टोटल इज करेक्ट। अब लास्ट कॉलम देखते हैं P1 into root of Q0 Q1 ये P1 है और ये square root है। So this is 30 into 6 180, ये आएगा 50 into 5 तो यहाँ पे value आएगी 250। Next is 10 into 4 तो this value would be 40 और ये है 20 into 2 that is 40। तो ये total हम कर लेते हैं। So we have 180 प्लस 250 प्लस 40 प्लस 40 सो दैट इज 510। ये टोटल आता है 510। एंड नाउ द वॉल्श फॉर्मूला P01W यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ P1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 रूट ऑफ Q0 Q1 इनटू 100। ये टोटल हमें मिला यहाँ पे 510। डिनोमिनेटर का टोटल है 390 और ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 510 390 वी गेट द आंसर एज 130.769। सो आंसर हम लिख सकते हैं 130.77। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे सम है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ओके फिर से ये टेबल कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमें कंप्लीट करना है ये वाला P0Q0। P0Q0 23 into 4 इज 92। यहाँ पर वैल्यू आएगी 92 एंड 15 5 75 5 9 ये आ जाएगा आपका 45। 12 5 60 68 जा यहाँ पर आएगा 48। एक बार टोटल वेरीफाई कर लेते हैं 92 प्लस 75 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 48 320। ओके तो टोटल तो सही दिया है। फिर P1Q0 P1Q0 25 4 100 20 into 5 ये आएगा 100। फिर 8 9 72 18 into 5 is 90। 13 into 6 ये हो गया 78। ये टोटल हमें करना होगा। सो वी हैव 100 प्लस 100 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 78 दैट इज 440। तो ये टोटल आता है 440। नाउ फॉर्मूला समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इनटू 100 राइट। और ये दोनों टोटल्स हमें मिले हैं P1Q0। दिस टोटल वी हैव इज 440
और ये टोटल हमें मिला 320. सो लेट अस कैलकुलेट 440 बाय 320, ये आता है 137.5. सो आंसर इज 137.5.